नमस्कार मित्रों, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में कुक लक्सर ड्राइवर की जो वैकेंसी आई है उसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या सभी का एडमिट कार्ड जारी होगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। तो हम सबसे पहले बेसिक जानकारी हिंदी में दिखा देते हैं, इसके बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो लेटेस्ट कोस्ट गार्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ देख सकते हो इंडियन कोस्ट गार्ड में ये वैकेंसी है। ये वैकेंसीज आपको कहाँ से मिल रही है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसे ये वैकेंसी आपको मिल रही है, जिसमें आपको कुक की वैकेंसी मिल रही है, लक्सर की वैकेंसी मिल रही है, ड्राइवर की वैकेंसी मिल रही है और सपाही वाले की यहाँ पोस्ट आपको मिल रही है। तो यहाँ डिफरेंट प्रकार की पोस्ट मिल रही है और सभी राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार बिना आवेदन शुल्क फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको बिना किसी आवेदन शुल्क के यहाँ फॉर्म अप्लाई कर देना है। हम आपको फॉर्म भी दे देंगे, वो फॉर्म आपको भर के भेज देना है। ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पे हम आपको जानकारी दिखा रहे हैं। इसके बाद में पात्रता मापदंड यहाँ क्या रखा गया है, जिसमें शैक्षणिक की जो योग्यता रखी गई 10वीं पास। यदि आप 10वीं पास हैं तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी राज्यों से आपको एक डाक भेज देनी है। ये सभी राज्यों के लिए वैकेंसी है, जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके यहाँ भेज सकते हैं। इसके बाद में उम्र सीमा यहाँ बताई गई है, 18 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब आप कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आपकी उम्र 28 वर्ष के बीच है। और यहाँ बताया गया सरकार के अनुसार जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में छूट मिल रही है। तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये ओबीसी को 3 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की, और एससी एसटी को 5 साल की छूट है। यानी कि इसमें आप पाँच पाँच तीन पाँच और जोड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पेमेंट संबंधी डिटेल्स आपको बताई गई है। यहाँ पेमेंट आपको क्या मिलेगा, 21,700 से लेके 69,100 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन मिलेगा। तो वेतन ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी हो उसमें अच्छा ही मिलता है। और यहाँ ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, वैकेंसी ग्रुप सी की है, हम आपको यहाँ क्लियर कर देते हैं। ग्रुप सी की वैकेंसी है, इसमें आपको वेतन देख सकते हो, वेतन लेवल 3 के अनुसार इसमें आपको जो है वेतन मिलेगा, यानी ग्रुप सी के अंतर्गत इसमें आपको वेतन मिलेगा। और यहाँ हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया। चयन यहाँ फॉर्म का जो शॉर्ट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा परसेंटेज बेस का। इसके आधार पे आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के बाद में आपका प्रोफेशनल टेस्ट और शारीरिक फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ हम आपको यहाँ क्लियर कर देते हैं, आपका यहाँ देख सकते हो यदि उम्मीदवार अधिक हो जाते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में तो आपका अलग अलग दिन इसमें रिटर्न टेस्ट हो सकता है, अलग अलग दिन ही इसमें आपका फिजिकल हो सकता है। यदि शॉर्ट लिस्ट करके कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इस भर्ती प्रक्रिया में तो आपका एक दिन में ही इसमें रिटर्न टेस्ट करवा दिया जाएगा और शारीरिक जो फिटनेस टेस्ट है वो भी नेक्स्ट डे आपका हो जाएगा। तो मतलब 2-3 दिन में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका फॉर्म किस प्रकार भरना है वो हम आपको पहले दिखा देते हैं। ये देख सकते हो आप, ये फॉर्म आपको भर के भेज देना है। हम आपको एड्रेस दे देंगे, 3 एड्रेस है, 3 जगह से पोस्ट निकल रही है। यदि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके जो नजदीक शहर है उससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको तीनों एड्रेस दिखा देंगे। उससे पहले जान लेते हैं फॉर्म की प्रक्रिया किस प्रकार आपको बढ़ना है। पोस्ट अप्लाइड, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे यहाँ लक्सर कुक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ कुक वगैरह लिख सकते हो। डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट बेस है इसमें, और यहाँ देख सकते हो पोस्ट अप्लाइड फॉर्म, फॉर नेम ऑफ द जो कैंडिडेट्स है उसका नेम, फादर्स नेम, ये डिटेल्स आप लिख सकते हो, बहुत ही आसानी से भर सकते हो। यहाँ 6 नंबर का पॉइंट विशेष कर ध्यान रखना, यहाँ 6 नंबर का पॉइंट आप विशेष कर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ रिजेक्ट होने का मेन कारण यही होता है आइडेंटिफाई मार्क, यानी कि आपके सारे शरीर पे कुछ ही दो निशान होने चाहिए जिससे आपकी पहचान हो जाए कि आप ही उस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। यदि आप इस कॉलम को खाली छोड़ देते हो तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में कुछ एस सी एस टी संबंधी डिटेल्स है, और यदि आपके पास टेक्निकल नॉन टेक्निकल है दोनों इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ दिखाया गया टेक्निकल, यदि आपके पास आईटीआई संबंधित ज्ञान है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल यदि आप इसमें हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ कुछ अनुभव है तो वो भी आप लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। इसके बाद में जो आपकी वैवाहिक स्थिति है वो क्या है वो आपको दर्शा देनी है। एड्रेस विथ पिन आपको यहाँ एड्रेस संबंधी डिटेल्स, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर आपको लिखना है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में मेन मुद्दा होता है कॉन्टैक्ट और यहाँ मेल आईडी का। और आप जहाँ पोस्ट लेना चाहते हैं यानी पोस्टिंग, यानी कि आप जैसे ही आप इस भर्ती प्रक्रिया में सेलेक्ट हो जाते हो
तो आप यहाँ अपने जो नज़दीक शहर है वो लिख सकते हैं जहाँ आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो। तो यहाँ तीन शहर बताए गए हैं, जो शहर आपके नज़दीक है उसका नाम लिख देना है, जो हम आपको बताएंगे उसमें से लिखना है। ये नहीं है कि आपके जैसे कि नज़दीक कोई शहर है उसका नाम लिख देना, वो नहीं चलेगा। इससे ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन में विभाग ने बताया है वो ही आपको लिखने हैं, वो हम आपको बता देंगे। इसके बाद में यहाँ अंगूठा जो है लगा देना है और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट या अभ्यर्थी के सिग्नेचर हो जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका फॉर्म। यदि आप इस प्रकार फॉर्म भरोगे तो आपका फॉर्म आप ये फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। इसके बाद में आपका जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा परसेंटेज बेस में, वो यदि आप क्वालिफाई कर रहे हो तो 100% आपका एडमिट कार्ड आने की पूरी पूरी संभावना है। इसके बाद में हम आपको दिखा देते हैं कहाँ कहाँ से पोस्ट निकल रही है। तो अभी आप यहाँ देख सकते हो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, और यहाँ हम सीधा आपको दिखा देते हैं फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो यहाँ फॉर्म संबंधी डिटेल्स बताएगी 30 जून 2019 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन मोड से। मैंने जो पहले फॉर्म बताया है वो आपको भर के भेज देने हैं इन तीनों एड्रेस पे। यहाँ देख सकते हो चार एड्रेस आपको बताए गए हैं, पहला है मुंबई, इसके बाद में गोवा, कोची और दमन। आप जिस राज्य से बिलोंग कर रहे हो और आपके राज्य के नज़दीक ये जो सेंटर है उससे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र के नज़दीक मुंबई है, यदि आप बिहार से हैं तो आपके पास कौन सा शहर है, राजस्थान के कैंडिडेट्स के पास जो नज़दीक कौन सा शहर है वो आप चूज़ कर सकते हैं और यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इस एड्रेस पे आपको द कमांडिंग जो नंबर ऑफ टू कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट यहाँ देख सकते हो हेडक्वार्टर, तो यहाँ ये एड्रेस संबंधी डिटेल्स बताई गई है, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। और यहाँ डिटेल्स यदि आप लेना चाहते हो तो हम आपको देते रहेंगे। तो यहाँ बताया गया है कि ऑर्डिनेंस पोस्ट द्वारा ही आप ये अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ ओबीसी एससी एसटी ऊपर लिफाफे पर लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप पोस्ट कुक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ड्राइवर के आगे लिख देना है ओबीसी संबंधित जो है कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अटैच करने हैं। वो डिटेल्स सभी के सभी आपको अटैच करने हैं, एज प्रूफ भी और कास्ट सर्टिफिकेट, टेक्निकल एजुकेशन है तो वो भी आपको सर्टिफिकेट लगाना है, जो एजुकेशन कॉपियाँ हैं वो संपूर्ण डिटेल्स मैंने बता दी है। यदि आप इस प्रति प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का पूरा जवाब देंगे। तो यहाँ पेमेंट संबंधी डिटेल्स बताई गई है, यहाँ देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसी मिल रही है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ गोवा से कितनी वैकेंसी मिल रही है, कोची से कितनी वैकेंसी मिल रही है, यहाँ डिटेल्स देख सकते हो आप, दमन दीव से कितनी वैकेंसी मिल रही है, गोवा से फिर से कितनी वैकेंसी मिल रही है, दुर्गाष्टमी कितनी जो कितनी वैकेंसी मिल रही है, जो है इसमें योग्यता संबंधी डिटेल्स बताई गई है, और यहाँ बताई गई है उम्र संबंधी डिटेल्स आप देख सकते हो किसी प्रकार का तथ्य है नहीं छुपाया गया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया का फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट के माध्यम से भी ये फॉर्म है उपलब्ध करा देंगे, उसका आप प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मित्रों ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से दिखाए जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।